नमस्कार, telka.news में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भारत भूषण। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। अशोक गहलोत ने अब की बार कैबिनेट में चुने पढ़े लिखे नेता, कई PhD हैं तो कई MBA। खाकी वर्दी वाले हाईवे के लुटेरे। सलमान खान का जन्मदिन आज, दबंग खान की पार्टी में पहुंचे कई फिल्मी हस्ती। और दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत ने की पारी घोषित। गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल तैयार है जिसमें कई नेता PhD हैं तो कई MBA। राजस्थान सरकार की कैबिनेट का सोमवार को गठन हो गया। राज्यपाल कल्याण सिंह ने राजभवन में 13 कैबिनेट और 10 राज्यमंत्रियों को शपथ दिलाई। इससे पहले 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। वैसे अब की बात, हमें जो जन प्रतिनिधि मिले हैं वो पढ़े लिखे मिले हैं। कई कई तो इसमें इंजीनियर हैं, तो कई डॉक्टर की डिग्री भी लिए हैं। कुछ स्नातक हैं, तो कुछ स्नातक से कम भी हैं। लेकिन अब की बार कैबिनेट में कोई भी मंत्री अशिक्षित नहीं है। आइए जानें मंत्रियों की शिक्षा के बारे में। अशोक गहलोत, विज्ञान और कानून की स्नातक डिग्री, अर्थशास्त्र में MA डिग्री। सचिन पायलट, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हॉर्टन स्कूल USA से परा स्नातक की डिग्री। BD कल्ला कानून में स्नातक की डिग्री। रघु शर्मा कानून में स्नातक की डिग्री MBA। शांति धारीवाल कानून में स्नातक। गोविंद सिंह कूडासर कानून में स्नातक। सुखराम बिश्नोई कानून में स्नातक की डिग्री। टीकाराम जूली कानून में स्नातक की डिग्री। ममता भूपेश MBA की डिग्री प्राप्त। डॉक्टर सुभाष गर्ग PhD की डिग्री। बात करें पूरे 23 मंत्रियों की, तो 9 मंत्रियों ने ग्रेजुएट की है, 3 मंत्री पोस्ट ग्रेजुएट है, 3 मंत्रियों के पास PhD की डिग्री है। वहीं 7 मंत्री पार्टी पास हैं जो स्नातक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इसके अलावा 1 मंत्री हैं जो 10वीं पास भी है। हाईवे पर होने वाली लूटों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन जयपुर के एक हाईवे पर ऐसा ही एक लूट का मामला आया जिसमें वर्दीधारी खुद लूट करते दिखाई दिए। हाईवे पर आए दिन होने वाली घटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरे सक्रिय हैं। बिना किसी डर खाकी वर्दी पहने कुछ लोग चलते वाहनों से वसूली कर घटनाओं को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो अभी वायरल हुआ है जिसमें खाकी वर्दी पहने कुछ लोग चलते वाहनों से वसूली करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गिरोह के लोग बाकायदा खाकी वर्दी में हाईवे पर गाड़ी लगा के और बैरिकेड खड़ा करके और हाईवे पर आने वाले भारी वाहनों, खासकर ट्रकों को रोकते नजर आ रहे हैं। जैसे ही कोई भारी वाहन आता दिखाई देता है तो खाकी वर्दी पहने कुछ लोग आगे की तरफ खड़े हो जाते हैं। जैसे ही ट्रक बैरिकेड पर रुकता है तो ये खाकी वर्दी के कर्मचारी ट्रक में चढ़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद पैसे लेकर नीचे उतरते दिखाई दे रहे हैं और वाहन को जाने देते हैं। कर्मचारी तो ऐसा है जो खुलेआम ट्रकों से हाईवे पर वसूली करता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में वसूली करने वाले कर्मचारियों का खुलासा नहीं हो पाया है। वीडियो में वसूली करने वाले पुलिस और RTO उड़न दस्ते के कर्मचारियों के होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन पड़ताल में पुलिस और RTO दोनों ही विभागों के अधिकारियों ने स्वयं के नहीं होना बताया है। सलमान खान एक ऐसा नाम जो फिल्मी हस्ती ही नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी भी है। आज है इनका जन्मदिन। कौन कौन पहुंचे उनके जन्मदिन में, आइए जानते हैं। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेशन जारी है। वे अपने मुंबई के पनेबल फार्म हाउस में 53वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। बुधवार रात बॉलीवुड सेलिब्रिटी और खान फैमिली पनेबल फार्म हाउस पहुंचे। 27 दिसंबर को जन्मे सलमान खान का पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। अपने लगभग 25 साल के कैरियर में सलमान ने कई हिट फिल्में दी, तो इसी के साथ कई फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान का नाम उन गिने चुने अभिनेताओं में शुमार है जिन्होंने 2.5 दशक से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल में एक अच्छा खासा मुकाम बना रखा है। बताते चले कि सलमान ने अपने कैरियर की शुरुआत वर्ष 1988 में प्रदर्शित फिल्म बीबी हो तो ऐसी से की थी। इस फिल्म में उन्होंने बहुत छोटी सी भूमिका निभाई। सलमान खान की कई ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों ने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की। उन्होंने फिल्म दबंग में काम किया जिसने 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाई की थी। वर्ष 2011 सलमान खान की कैरियर के लिए उपलब्धियों भरा साल साबित हुआ। इस वर्ष सलमान खान की रेडी और बॉडीगार्ड जैसी फिल्मों ने टिकट खिड़की पर 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर
नया इतिहास रच दिया। वर्ष 2012 में सलमान खान की एक था टाइगर और दबंग 2 जैसी फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। बॉक्सिंग डे टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत ने 443 पर पारी घोषित। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में आज दूसरे दिन इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 443 पर 7 विकेट खोकर अपनी पारी को घोषित कर दिया। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा ने सर्वाधिक 106 रन की पारी खेली तथा कप्तान विराट कोहली ने 82, रोहित शर्मा ने 43, मयंक अग्रवाल ने 76 रन की अर्धशतक की पारी खेली। अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए मयंक अग्रवाल ने अर्धशतक की पारी खेलते हुए ये बता दिया कि वो भी इस भारतीय टीम में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आज के दिन की शुरुआत करते हुए पुजारा और कोहली ने 170 रन की शानदार साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने 3 और मिशेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा जॉस हेजलवुड और नॉर्थन लायन को 1-1 विकेट मिला। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी पारी की संभली शुरुआत करते हुए आज के दिन के अंत तक 6 ओवर में 8 रन बनाए हैं। ये थे आज के समाचार। देश विदेश के समाचारों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी tehlka.news के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लॉगिन करें tehlka.news। धन्यवाद।